ये व्लादिवोस्टोक शहर है जिसका अर्थ है रूसी भाषा में पूर्व का शासक। ये रूस का सबसे बड़ा और सबसे पूर्वी शहर है जो मॉस्को से सिर्फ 9000 किलोमीटर दूरी पर है। व्लादिवोस्टोक रूसी प्रशांत नौसेना जहाजों का सबसे बड़ा बेस है और प्रशांत महासागर में रूस की पहुंच है। यदि भविष्य में रूस कभी शहर से अपना नियंत्रण खो दिया तो रूस साइबेरिया से पूर्वी हिस्सा को खो देगा और प्रशांत महासागर तक उसकी पहुँच नहीं रहेगी। और यही कारण है जो चीन भविष्य में व्लादिवोस्टोक को लेना चाहता है इसी विस्तार योजना के तहत, और ये चीन के सोशल मीडिया पर आज प्रचलित होते दिख रहा है। चीन ने रूसी मिशन के सोशल मीडिया पर अपना स्थापना दिवस के 106 साल पूरा होने के मौके पर व्लादिवोस्टोक शहर का एक वीडियो पोस्ट किया जो चीन में सोशल मीडिया यूजर के साथ अच्छा नहीं हुआ। कई चीनियों ने इस तथ्य को उल्लेख किया कि व्लादिवोस्टोक चीन का अभिन्न अंग है और 1807 में रशियन ज़ारिस्ट एम्पायर के द्वारा कब्जा लिया गया था। व्लादिवोस्तोक स्थापना दिवस लगभग 160 साल पहले लोगों के द्वारा किया गया अपमान को याद करवाते हैं। व्लादिवोस्तोक के उद्घोषणा को चीन असमान संधि के दर्दनाक और चीनी इतिहास का अपमानजनक हिस्सा बताते हैं। ऐसा कुछ जो बीजिंग के विश्व मंच पर ताकत के लिए प्रयास के साथ फिट नहीं है। 2008 में रूस और चीन के बीच 4200 किलोमीटर की सीमा साझा करने पर दोनों पक्षों के बॉर्डर विवाद के बाद रूसी सीमा काफी हद तक स्थिर रही है और ये दोनों देशों की विदेश नीति का प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। भारत को रूस से लगातार समर्थन भी मॉस्को प्रयास का हिस्सा है चीन के विस्तारवादी डिजाइन जांच में रखने के लिए। रूसी मोर्चा पर तनाव को भड़काने का चीन का प्रयास ऐसे समय में आया जब वो भारत के साथ सीमा पर तनाव से पहले से ही उलझा हुआ है और हांगकांग के चीन के कूट दमन पर विश्व आलोचना का तो उल्लेख मत ही कीजिए। इसलिए अब चीन का पाकिस्तान को छोड़ के हर पड़ोसी देशों के साथ उसका सीमा विवाद बन चुका है। इन कंक्लूजन, चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन ने ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस और पुर्तगाल से सभी चीनी कॉलोनियों को समर्थपूर्वक वापस ले लिया है। अब चीन खुद को एक सामर्थक शक्ति के रूप में समझता है और अब ये रूसियों से व्लादिवोस्तोक वापस लेने का हिम्मत करते हैं, जिसे पहले चीनियों के अनुसार इसे हाइशिनवाय के रूप में जाना जाता था और ये रूसियों को भविष्य में व्लादिवोस्तोक छोड़ने का अल्टीमेटम और मजबूर भी कर सकते हैं, जहां रूसी सरकार और भारतीय सरकार को इस स्थिति से अवगत है। इसलिए 2019 के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक के द्वारे पर पुतिन के साथ समझौता किया और एक डील पर हस्ताक्षर किए, जिससे चीन श्रम और चीनी निवेश का मुकाबला करने के लिए चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच वैकल्पिक आर्थिक गलियार बनाकर रूस को चीन श्रम और चीन निवेश का मुकाबला करने के लिए $1 बिलियन का लोन और निवेश का वादा किया भारत ने रूस को। इसे देखने के लिए धन्यवाद। यह है सियाचिन एक्स फाइल।